और मंच पे अब तशरीफ लाइए और मैं हमारे सोलपुर के सिंगर दीपा कामत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कम एंड प्रेजेंट द बुकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सोलपुर फैमिली। जोरदार तालियां सभी बदायूं साहब के सुपुत्र जावेद बदायूं साहब। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट रंजीत देवल साहब प्लीज कम सर। वी हैव अ सोलफुल मंथ जावेद जी जो हम जितने भी मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पे हैं उनको पेश करते हैं। रंजीत देवल साहब हाँ आपके लिए एक स्पेशल साइटेशन जो हमने खास तैयार किया है 19 फिल्म्स ऑफ शकील साहब सुपर डुपर हिट फिल्म्स के पोस्टर्स साइटेशन में है। ये खास हमने तैयार किया है 19 फिल्म्स सारे म्यूजिकल सुपर हिट फिल्म्स। ये मैं सोलफुल सैटरडेज की तरफ से मैं एक सोशल सैटरडेज बेसिकली मनीष सुब्रमण्यम साहब और मैंने हमने ये फाउंडर्स हैं तो शुरू किया हमने 7 साल पहले। तो मनीष जी आ नहीं सके बिकॉज समरी फैमिली थोड़ा कोविड इशू है इसलिए तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं आपको। तो अब कुछ सुनना चाहेंगे आप लोग शकील जी के बारे में? यस अगर कहना चाहें तो शाम रात हो जाएगी इतनी सारी बातें हैं मगर जस्ट परमिशन 10 मिनट्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक राजेश सर। दुआ करता हूँ कि सोलफुल सैटरडे बहुत तरक्की करे आसमान को छू गए आसमान को ऑलरेडी छू गए। आई एम पेपर सिंस 90s सिंस की बॉल लाइक डेज जब मनोहर आयक सब करते थे आई वाज ग्रेटेस्ट फैन एंड दुआ करते हैं कि बहुत तरक्की करें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग सब लेजेंड्स को याद कर रहे हैं इतने बरसों से तो बहुत बहुत वेरी ग्रेटफुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और दुआएं हमेशा हैं मेरी दुआएं आपके साथ आप और आपके एंटायर टीम के साथ। एंड आई वुड लाइक टू माई जनाब अली पीटर जॉन साहब सेलिब्रिटीज बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आके इतने कीमती वक्त आपका के खराज अकीदत पेश किए अपने शकील साहब के लिए। शकील साहब को एक्चुअली भूल गए लोग और आप जैसे लोग तो याद अपने प्रोग्राम के जरिए याद करते हैं तो थैंक यू वेरी मच। और शकील साहब के बारे में तो और नौशाद साहब दिलीप साहब और रफी साहब मेहता जी के बहुत सारी बातें हैं और हर गाने के साथ एनेक्डोट्स इतने अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स हैं जो ना यूट्यूब पे मिलेंगे ना सुना भी होगा आप लोग ने जो गाने अभी गाए और भी तो मगर टाइम की कमी की वजह से नहीं तो शाम हो जाती है इसलिए कुछ हमने कहा नहीं चौधरी के चांद या मुगले आजम। शकील साहब पहले शायर थे बाद में गीतकार। शायर इसीलिए बने क्योंकि रोजी रोटी के लिए शायर गीतकार बने। ही वॉज अ पोएट उन्होंने करीब 5 दीवान बुक ऑफ गजल्स लिखी हैं जो अभी कंपाइल करके कुलियाती शकील में हम लोग ने पब्लिश की है करवाई है और उसमें करीब 300 से ज़्यादा प्राइवेट उनकी नॉन फिल्म्स गजल्स हैं और नज़म्स हैं और बहुत सारी गजल्स और नज़म फिल्म में भी इस्तेमाल किए हैं के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब रवि जी और गुलाम मोहम्मद साहब ने रिक्वेस्ट की थी तो वो बहुत सारी जैसे कि ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं दुनिया चमन होती वीराने कहाँ जाते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं राह गर्दिशों में हरदम तो ऐसे बहुत सारी ऐसी नजम गजल थी जो फिल्म में पसंद आई दिलीप साहब को पसंद आई थी गुजरे आज इश्क में इस मकाम से नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से पहले ये इनकी गजल में था
इतने फरेब खाए हैं हुस्ने तमाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, इतने फरेब खाए हुस्ने तमाम से। तो वो दिलीप साहब ने सुना और नौशाद साहब ने सुना, तो बोला शकील साहब उसको चेंज करिए। तो बाद में उसी वक्त चेंज किया तो गुजरे आज इश्क में इस मकाम से। तो ऐसे बहुत सारी इनकी गजलें नज़्म हैं जो बहुत मशहूर है। बेगम अख्तर साहिबा ने भी बहुत सारी गाई हैं, वर्ल्ड फेमस गजल ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दागा न दे। तो ये अभी अभी नौशाद साहब के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शकील साहब को 13 साल की उम्र में शायरी का शौक हो गया था, मशायरे में शिरकत किया करते थे और उनके उस्ताद थे ज़ियाउल कादरी साहब जो उनकी तुकबंदी और उनको सिखाया करते थे कि मशायरे में नज़्म गज़ल कैसी पढ़ी जाती है। तो जब उन्होंने कॉलेज की तालीम अलीगढ़ में ख़त्म की, ग्रेजुएशन किया, तो वो उनकी नौकरी लगी एक राशनिंग ऑफिस में, सिविल सप्लाईज में। वहाँ आपको मालूम है शायर थे, वो शायर थे, उनका दिमाग नौकरी में नहीं पसंद नहीं आती थी नौकरी। तो उन्होंने फिर मशायरे में मशायरा जो हुआ करते थे पूरे इंडिया में, तो वो अटेंड करना शुरू किया और वहाँ मशायरे में तो वाहवा जो खूब लूटी। और फिर बाद में एक मशायरा हुआ था 1946 में बॉम्बे था पहले, तो वहाँ मशायरे में उन्होंने एक गज़ल पढ़ी। उस गज़ल का एक शेर है, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, ये गज़ल का एक शेर था। तो वो पढ़ी तो पूरा मशायरा लूट लिया, पूरी गज़ल पढ़ी। फिर बाद में मशायरे के बाद नौशाद साहब मौजूद थे वहाँ और यार कारदार साहब, वो आए और उन्होंने कहा शकील साहब मुझे आपकी अपनी जो नज़म पढ़ी है गज़ल पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि आप मेरी फिल्म जो दर्द फिल्म बन रही है उसमें सभी गाने लिखे। तो शकील साहब बहुत खुश हुए एंड बोला ज़रूर। फिर बाद में नौशाद साहब की आदत थी कि कभी किसी को किसी शायर को कभी फिल्म में इंट्रोड्यूस करते थे, जैसे मजरू साहब को किया था फिल्म शाहजहां में, तो उनका टेस्ट लिए जाते थे। वो बोलते थे फिर कहा शकील साहब आप सब गाने लिखना चाहते हैं आप कुछ सुनाइए अपना और कुछ। तो शकील साहब ने सुनाया हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुनाएंगे सुनाते हैं, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगाते हैं। तो ये नौशाद साहब को बहुत पसंद आया और फिर अगले दिन शकील साहब के साथ बैठ के सब गाने लिखवाए फिल्म दर्द के। पहला गाना था अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, जो उमा देवी ने गाया था, बाद में दिलीप साहब ने उनको टुनटुन बना दिया, दिलीप साहब ने नाम रखा था ये टुनटुन। 600 फिल्मों से ज़्यादा कॉमेडियन के रोल में वो काम किया उन्होंने, पहले वो नौशाद साहब ने उनको भेज दिया था फिल्म दर्द में और दूसरी एक दो नाटक में और एक दो फिल्मों में, मगर उन्होंने एडवाइस किया था कि आप कॉमेडियन बन जाइए, तो कॉमेडियन बनी। और पहला गाना शकील साहब का था अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का जो उमा देवी, उसके बाद उनका साथ शुरू हुआ रफ़ी साहब के साथ सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे फिल्म दुलारी में, वो पहली बार उनका साथ हुआ रफ़ी साहब के साथ। और वो गाना जब भी रफ़ी साहब से कुछ पूछा जाता था कि रफ़ी साहब आप बताइए कि आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, तो रफ़ी साहब यही कहा करते थे कि दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ तस्वीर बनाता हूँ तेरे खूनी जिगर से, फिर बेजू बावरा में तो देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड फॉर रफ़ी साहब, बेजू बावरा फिल्म में तो अपने तीन गाने सुने उसमें तो कमाल कर दिया रफ़ी साहब ने। और फिर नौशाद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड का सबसे पहला अवार्ड नौशाद साहब को ही मिला तू गंगा की मौज में फिल्म बेजू बावरा में, और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ।
और फिर शकील साहब और नौशाद साहब दोनों का तालमेल इतना अच्छा था कि दिन दिन भर रात रात भर कई दिनों तक एक एक गाने पे एक एक मुखड़े पे अंतरे पे इतनी मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया करते थे। अब ये गाना था प्यार क्या तो डरना क्या, शाम को बैठा करते थे और इसी भी गाना नहीं और भी गाने बहुत सारे प्यार, शाम को जब सनसेट होता था तो वहाँ बैठा करते थे, ना खाने का रात के डिनर का ठिकाना और चाय का चलता जाता था, और जब सुबह हो जाया करती थी उन लोगों को मालूम नहीं था कि सुबह हो गई है, रात भर सब गानों पे बैठ के तो मालूम पड़ा कि सुबह हो गई है। शकील साहब लिखा करते थे और लेकिन नौशाद साहब को पसंद नहीं आता था, कचरे की बाल्टी में फेंक दिया करते थे, लिखते थे करीब 105 बार लिखा एक हफ्ते में या 10-12 दिन में 105 बार प्यार के जो डरना किया लिखा। फिर बाद में इतने 105 बार के बाद नौशाद साहब वो सेटिस्फाइड, हाँ जी अब ठीक है। तो फिर बाद में लता जी को बुलाया घर पे और रिहर्सल कराई और रिहर्सल हिस्ट्री आज भी बूढ़ी आजम के गाने और इतने मशहूर हैं और इतनी कड़ी मेहनत हुआ करती थी उस जमाने में मुझे याद है। और रवि साहब के साथ भी बहुत सारा काम किया है उन्होंने, करीब 28 फिल्में की हैं। पहला गाना था चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, रवि साहब संगीतकार रवि साहब के साथ, और वो रफी साहब का पहला गाना था, रफी साहब का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड था, सॉरी शकील साहब का भी पहला फिल्म फेयर अवार्ड था चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो। तो वैसे शकील साहब ने करीब 100 से ज़्यादा फिल्में में गाने लिखे और करीब 900 गाने लिखे और मोर देन 300 प्राइवेट नॉन लिखे जो आज भी पसंद करते हैं। और शकील साहब को पान का बहुत शौक था, बगैर पान नहीं खा, पान हर हमेशा जाते थे, हमारी मदर पान की डिबिया रखती थी, पान के बगैर उनके दिमाग में थॉट्स नहीं जाते थे। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो के सिटिंग पे जब बैठे रवि साहब के म्यूजिक रूम में, गुरुदत्त साहब थे रवि साहब संगीतकार रवि साहब उनके म्यूजिक रूम में, तो फिर कुछ जब नहीं रहता कि लिखा शकील साहब, रवि साहब ने कहा ऐसा करिए अब शकील साहब एक गाना में मुखड़े में चौधरी का चांद होना चाहिए, चौधरी का चांद, तो ट्यून बना दिया रवि जी ने। तो फिर रवि जी ने बोला आगे क्या हो बताइए अभी आप, तो शकील साहब ने उससे बता दिया या आफ्ताब हो। पर अभी उसके बाद मुखड़ा बन ही नहीं रहा था, लिखे फेंके रिजेक्ट किए, जो रवि जी को पसंद आते थे गुरुदत्त जी को पसंद नहीं आते थे, जो गुरुदत्त जी को पसंद आते थे वो रवि जी और शकील साहब को पसंद नहीं आते थे, लिख लिखे। फिर जब रवि जी ने देखा कि ये पान की डिबिया भूल गए हैं, उस दिन पान की डिबिया भूल गए, तो उन्होंने बाजू में उस जमाने में पान वाले की दुकान करीबी थी, सैंटा क्रूज में रहते हैं, उनकी फैमिली अभी भी रहती है वहाँ सैंटा क्रूज में, रवि जी के वो पान मंगवाया। और जब पान रवि जी ने अपने हाथ से खिलाया उनको शकील साहब को, तो शकील साहब उठे और कहा जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब, और आपको यकीन नहीं आएगा 3 या 4 घंटे में रात के 2 या 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक ये गाना पूरा तैयार हो गया। ये किस्सा रवि जी ने हमको खुद बताया था, हम लोग मिला करते थे उनसे तो बताया करते थे सब ये किस्से। तो ऐसे बहुत सारे एनिकडोट्स हैं जो, और बहुत सारी बातें हैं। शकील साहब को खिचड़े का बहुत शौक था, खिचड़ा एक नॉन वेज डिश है, तो उनको जहाँ भी अगर कोई भी खिचड़ी की दावत करता तो फिर वो अपना काम डायरी पर रख के गाड़ी लेके चले जाते थे। एक बार रफी साहब के यहाँ भी खिचड़ी की दावत होती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ भी दावत होती थी खिचड़ी की बिरयानी की, सब लोग जमा होते थे, दिलीप साहब रफ़ी साहब एक दूसरे के घर में, शकील साहब नौशाद साहब सब लोग जमा होके बहुत अच्छा गेट टुगेदर हुआ करता था, मुझे अब तक याद है, सब मिला करते थे एक दूसरे के, और
बहुत पतंगबाजी का शौक था, नौशाद साहब के टेरिस में जाके पतंग, रफी साहब और नौशाद साहब, शकील साहब, दिलीप साहब भी आया करते थे, टेरिस की कंपटीशन हुआ करता है टेरिस में पतंगबाजी का। एक बार मुझे याद है कि मुझे भी मौका मिला मोहम्मद रफी साहब की फिरकी पकड़ने का, और इतना नर्वस हो गया था मैं, टाइट पकड़ लिया तो रफी साहब की पतंग ही कट गई। इनफैक्ट इट्स अ फैक्ट, मुझे याद है मिड सिक्सटीज की बात है, पूरी याद है पूरा मंजर पूरी। तो वहाँ पतंगबाजी का शौक हुआ करता था, और कभी कभी दिलीप साहब भी आते थे, और क्या दौर था मुझे अब तक याद है, दावते हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बताने जाए तो शाम हो जाएगी। तो जनाब अली पीपल्स गार्डन, आई एम योर फैन सिंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, डायट फैन एंड मैम ऑल सेलिब्रिटीज एंड and सबसे I would like to thank all the singers, all the artists, all God gifted artists, और कहने से आपका शुक्रिया अदा एक बार फिर करना चाहता हूँ, और thank you very much, and आपको भी और all of your technical team, आप लोग का भी शुक्रिया, सब लोग आपका भी सॉरी technical team का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपने आप शकील साहब को याद किया और यहाँ आए थे कितनी वक्त करके आए आप लोग यहाँ, और शकील साहब के गाने सुने, और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।